यवतमाल जिले के दिग्रे शहर में बीती रात दो गुटों में झड़प हुई। इस वारदात में कुछ एक जख्मी भी हुए। वहीं इस घटना के बाद यवतमाल पुलिस प्रशासन ने हरकत में आते हुए दिग्रस पुलिस सहित अन्य दल बल तैनात कर दिया है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दिग्रस शहर में श्री घंटी बाबा की पुण्यतिथि के मौके पर जारी दिवाली फेस्टिवल यानी यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन पर रात करीब 10 बजे यात्रा में दो गुटों में हुई झड़प से शहर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस घटना में दो गुटों के कुछ एक लोग जख्मी हुए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर होने से उसे नागपुर उपचार के लिए रवाना किया गया है। इस घटना के बाद यवतमाल जिला पुलिस विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर में तत्काल दल बल तैनात कर दिया था। मालूम हो कि जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल ने घटना स्थल का दौरा कर लोगों से इस वारदात के संदर्भ में जानकारी ली। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक खंडेराव धर ने उप विभागीय पुलिस अधिकारी आदित्य मिरखेलकर और दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सोनाजी आमले मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल ने इस वारदात की जानकारी दी है। दिग्रस शहरामध्ये घंटी बाबा यात्रे दरम्यान या यात्रेचा काल शेवटचा दिवस होता आणि रात्री 10:15 वाजेच्या दरम्यान मेहतर समाज यांच्या घरासमोर जो मुख्य रस्ता आहे त्यावर यात्रेकरूंची ये जा चालू असताना काही युवक त्या ठिकाणी शिवीगाळ करत होते। त्यांना या ठिकाणी शिवीगाळ करू नका असं तेथील बुजुर्ग महिलेने सांगितल्यानंतर त्यांच्यामध्ये तुतुमय बाचाबाची झाली। त्यानंतर खाटिकपुरा आणि इतर मोतीनगर परिसरातील काही युवक त्या ठिकाणी आले आणि वैयक्तिक स्तरावर ज्या बुजुर्ग महिलेने त्यांना शिवीगाळ करू नका हे सांगितलं त्या कुटुंबामध्ये आणि आलेल्या युवकांमध्ये हाणामारी झाली। त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली। त्या ठिकाणी असलेली मोटरसायकल हे वाहन पेटवून देण्यात आलं। काही वाहनांची तोडफोड झाली अशी घटना घडलेली आहे। कुल मिलाकर इस घटना में अब तक दिग्रस पुलिस ने दो गुटों के करीब 10 लोगों पर 452, 322, 315, 324, 307 आदि धाराओं सहित आर्म एक्ट की धारा के तहत मामले दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना से आहत हुए लोगों सहित दिग्रस वासियों से किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की है। ही जी घटना घडलेली आहे ही वैयक्तिक स्तरावर एका बुजुर्ग महिलेने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना ज्याला आपण युवा वर्ग म्हणू अशा युवकांकडून सुरुवात झालेली आहे आणि ही घटना आपल्या समोर येते आहे। याच्यामध्ये कोणत्याही अँगलने ज्याला आपण सामाजिक स्वरूप म्हणू किंवा कम्युनिटी स्तरावरची काही घटना घडलेली आहे असं अजिबात नाही आणि दिग्रस शहराची जी काही पार्श्वभूमी आहे ही सर्व धर्म समभावाची आहे। सर्व जातीचे धर्माचे पंथाचे विचारप्रणालीचे सर्व नागरिक या ठिकाणी गुण्यागोविंदांनी नांदत आहेत आणि परमसद्धेय घंटी बाबाच्या यात्रेदरम्यान अशी कोणतीही घटना आजही माझी खात्री आहे का दिग्रस शहरातील प्रत्येक नागरिक याबद्दलची भूमिका समजून घेताना याला कोणत्याही प्रकारचं जातीय स्वरूप नाही कोणत्याही प्रकारचं सामाजिक स्वरूप नाही कुठल्याही कम्युनिटी स्तरावरची घटना नाही ही फक्त आणि फक्त वैयक्तिक स्तरावरून जे काही डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असतात यातून घडलेली आहे। बहरहाल दिग्रस सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है जिसकी गवाही दिग्रस द ग्रेट इस पहचान के रूप में खुद जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल ने पहले भी कई दफा दी है। ऐसे में दोनों गुटों के चंद गैर जिम्मेदार युवाओं की झड़प से शहर की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। हालांकि अब इस मामले में कानूनी जांच के बाद घटना के दोषियों को इसकी सजा मिलना तय है। बहरहाल इस मामले की जांच जारी है और फिलहाल दिग्रस में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दिग्रस से BCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।